नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ धीरेंद्र अवस्थी और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर से। दिल्ली से बड़ी खबर है, इजराइल दूतावास के पास धमाके का मामला है और दूतावास बम धमाके में बड़ा खुलासा हुआ है। बम में अमोनियम नाइट्रेट के इस्तेमाल का अंदेशा जताया गया है और बम में छोटे छोटे वॉल वेयरिंग का भी इस्तेमाल किया गया। जनरल हाउस के ठीक सामने कल धमाका हुआ था। भारतीय जांच एजेंसियां धमाके की जांच में जुटी हैं और इजराइल जांच एजेंसी मोसाद भी जांच में शामिल होगी। सीसीटीवी को कब्जे में लेकर जांच की जा रही है। तो कल इजरायली दूतावास के पास में धमाका हुआ था, जिसके बाद सुरक्षा व्यवस्था हाई अलर्ट कर दी गई थी और पूरी जांच भारतीय एजेंसियां कर रही हैं। साथ ही साथ जो इजरायली जांच एजेंसी है मोसाद, वो भी अब जांच में शामिल होगी। और जिंदल हाउस के ठीक सामने कल धमाका हुआ था। फिलहाल भारतीय जांच एजेंसियां धमाके की जांच में जुटी हैं। और दिल्ली से हमारे संवाददाता शंकर सुमन हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शंकर, कल भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच इजरायली दूतावास के पास धमाका होता है देर शाम, हर कोई हैरान रह जाता है। साथ ही साथ सुरक्षा एजेंसियां अब जो जांच कर रही हैं, उसमें एक बड़ा खुलासा ये हुआ है कि अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल किया गया था इस धमाके में। यानी कि कोई बड़ी साजिश, जिन लोगों ने धमाका किया है वो बड़ी साजिश रचने की फिराक में थे, बड़ा धमाका करने की फिराक में थे। बिल्कुल धीरेंद्र, जिस तरह से अब देखिए इसमें खुलासे होते जा रहे हैं, तो इसका दो एंगल निकल के सामने आ रहा है। या तो ये एक टेस्ट चेकिंग तो हो सकती है, क्योंकि ऐसा भी अमूमन देखा गया है, ये जो दिल्ली में या भारत में कह सकते हैं कि जिस तरह से मोडस ऑपरेंडी रहा है आतंकवादियों का, हालांकि अभी तक पता नहीं चल पाया कि इसके पीछे किसका हाथ है, क्या कुछ है, लेकिन कुछ कुछ क्लू जो है जांच एजेंसियों को मिलता हुआ नजर आ रहा है। और इस मामले की मुख्य रूप से देखें तो जांच जो है दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल के पास है, क्योंकि दिल्ली पुलिस का स्पेशल सेल का गठन ही इसी मकसद से किया गया है कि जो भी आतंकवादी गतिविधि है उसका निपटारा करने के लिए या उससे प्रिवेंशन के लिए है। तो इस मामले में भी दिल्ली पुलिस के स्पेशल से जांच करिए, बाकी और भी तमाम जो एजेंसियां हैं, जांच एजेंसियां, उनकी भी नजर इस पे है। फिलहाल देखें तो इसमें जो नया अपडेट है कि अमोनियम नाइट्रेट का पाया जाना इस ब्लास्ट में, हालांकि लो इंटेंसिटी का बताया जा रहा है कि जो आईडी ब्लास्ट ये हुआ है, कोई बड़ा ये बम ये नहीं था, नहीं तो बड़ा नुकसान हो सकता था। लेकिन अलग अलग एंगल से ये एजेंसियां जांच कर रही हैं। वहां पे इसमें बॉल वेयरिंग का भी इस्तेमाल बताया जा रहा है, क्योंकि छर्रे पाए गए हैं घटनास्थल के पास से। वही एक और क्लू मिला है, उसमें एक गुलाबी रंग का अर्ध मिला हुआ दुपट्टा जो है वो इसमें बरामद। बताया जा रहा है कि जो जांच कर रही भारतीय एजेंसियां, उनके साथ में अब जो इजरायली जांच एजेंसी है मोसाद, जो कि विश्व भर में फेमस भी है अपने कारनामों के चलते, वो अब जांच में शामिल होगी। तो क्या कोई बड़ी साजिश थी? देखिए कि जिस तरह से ये इजरायल एक छोटा देश है, लेकिन टेक्नोलॉजी के मामले में काफी आगे है और बड़े बड़े देश भी है उसके टेक्नोलॉजी का लोहा मानते हैं, तो जाहिर सी बात है कुछ जो पुराने दुश्मनी और ये है, तो उस कारण से इजराइल जो है निशाने पे रहती है आतंकवादियों के निशाने पे। लेकिन इस मामले में क्या कुछ है, क्या और एंगल है, क्योंकि इजराइल जो है बहुत ऐसे मामलों के लेकर काफी ज्यादा सतर्क रहती है और अपने नागरिकों की सुरक्षा को लेकर बहुत ज्यादा ही वो अलर्ट पे रहती है। अब ये घटना हुई, हालांकि देखिए इसका दो पहलू है, एक जहां इजराइल जो है ये संतोष जता रही है, संतुष्ट है कि उसे अपने स्टेटमेंट में कहा गया है इजराइल की तरफ से कि भारतीय जांच एजेंसियों के भारत सरकार पे पूरा भरोसा है कि वो इजरायली नागरिकों की सुरक्षा प्रॉपर करेगी। और दूसरी तरफ है कि वो भी चाहती है कि इसमें क्या कुछ और एंगल हो सकता है, इसलिए जो काफी विख्यात जांच एजेंसी मोसाद है जिसको कहा जाता है, तो मोसाद भी आके इसमें जांच करेगी। तो आज संभावना है कि किसी भी वक्त दिल्ली में ये जो जांच एजेंसी मोसाद है इजराइल का, वो यहाँ पे पहुंचेगी और भारत की जो जांच एजेंसियां हैं वो उनके साथ कोऑर्डिनेट करके इस मामले को, यानी कि इस मामले की जो जांच है उसको आगे बढ़ाएगी। तो उम्मीद है कि इसमें और भी खुलासे होंगे। फिलहाल जो है भारतीय जांच एजेंसियां पूरी मुस्तैदी के साथ इस मामले की जांच में लगी हुई है। जी शंकर, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
पाए हर खबर सबसे पहले सिर्फ लाइव टुडे पर। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।